तो गाइस एक चाइनीज मूवी हिंदी डब में आई है जिसका नाम है क्रेजी फिस्ट। इसकी लेंथ 1 घंटा 36 मिनट की है। तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। तो गाइस इसमें एक गैंग को दिखाया गया है जो कि ड्रग को बेचता है, मतलब ड्रग का तस्करी करता है, पर दुनिया की नजर में वह एक फाइट क्लब को चलाता है, मतलब बॉक्सिंग से रिलेटेड बिजनेस भी करता है दुनिया की नजर में। तो एक अंडरकवर पुलिस वाला मतलब उसकी गैंग में शामिल होता है, मतलब कोशिश करता है कि उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर पाए एंड सबूत का इंतजाम करके उसे अरेस्ट किया जाए, मतलब उस गैंग को अरेस्ट कर लिया जाए। तो वह पुलिस वाला ऐसा कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अंडरकवर पुलिस वाला है, तो ऐसा वह कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। एंड एक और बॉक्सर को दिखाया गया है जो कि मतलब किसी की मौत का बदला लेना चाहता है, मतलब उसे करीबी की मौत हुई है जिसका वह बदला लेना चाहता है। वह बदला ले पाता है या नहीं ले पाता है, कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है आगे फिल्म देखने के बाद, ये सब जानने के लिए तो आपको ये फिल्म को देखना पड़ता है। तो गाइस ये फिल्म एवरेज फिल्म है, जी हाँ एवरेज फिल्म है। इसकी कहानी आपको कुछ भी नया माल प्रेजेंट नहीं करती है, आपने इस तरह कहानी बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो इस तरह की कहानी आपने बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो कुछ भी नया माल इसमें नहीं है। एक्शन की बात करें तो देखिए एक्शन इतना भी अच्छा नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि आप बोलेंगे वाह क्या एक्शन है, इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं है, बस नॉर्मल सा एक्शन है। पर हाँ ज्यादा संख्या में एक्शन दिया गया है, मतलब ना हर एक थोड़ा थोड़ा देर बाद एक्शन है, पर उतना खास एक्शन नहीं है। हाँ ज्यादा इसमें ना हैंड टू हैंड फाइट दिखाया गया है, क्योंकि बॉक्सिंग से रिलेटेड फिल्म है तो बॉक्सिंग वाला ही एक्शन दिखाया गया है, तो आप ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा नहीं तो डिसअपॉइंट होगा आपको। एक्टिंग की बात करें तो देखिए आप किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सभी ने एवरेज सी एक्टिंग की है, आप किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करो तो जी हाँ प्रोडक्शन क्वालिटी आपको ठीक ठाक दिखने को मिल जाती है। इसके हिंदी डबिंग की बात करो तो जी हाँ इसकी हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, बहुत ग्रेट नहीं है, बस ठीक ठाक है, काम चल जाता है। तो गाइस इस फिल्म को लेकर मैं फाइनल वर्डिक्ट है कि ये एक एवरेज फिल्म है, और मैं आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगा कि आप इस फिल्म को देखिए। हाँ यदि आपके पास कुछ भी अच्छा चीज देखने को नहीं है, ऐसे ही वेले बैठे हुए हैं एंड आपको चाइनीज मूवी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसे बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन के साथ देख सकते हैं, वरना इसे इजीली स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ आप अच्छा छोड़ देंगे, कुछ बात नहीं है, इजीली स्किप चाहे तो कर सकते हैं। और हाँ मैं बोलूंगा कि इसमें कुछ कुछ ना सेमी न्यूड सीन है, तो फैमिली के साथ चेकआउट मत कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।